हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोशन राज जी, जो ए टू जेड देखो के सीईओ हैं और 24 और 25 अप्रैल को पटना में होटल एक्जोटिका में बिहार का सबसे बड़ा कैरियर मेला लगने जा रहा है। बातचीत करेंगे रोशन राज जी से। सबसे पहले आपका स्वागत जी, नमस्कार। रोशन जी, पिछले साल भी आपने करियर मेले का आयोजन किया था, काफी व्यापक स्तर पर बिहार के 38 जिलों के साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल और आपको उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आए थे, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, पिछले साल जो हम लोग फेयर एजुकेशन फेयर किए थे, मात्र वो एक दिन के होने के कारण हम लोग को समझ ही नहीं, मतलब कि जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हुए चाहे हम लोग हुए, बच्चा लोग से रूबरू बढ़िया से नहीं हो पाए। तो सभी को जब इंड होने लगा टाइम, तो सभी लोग का यही कहना था कि ये आज दो दिन का रहता तो बहुत बेहतरीन होता, तो लेकिन पिछले साल तो ऑर्गेनाइज डेट हो चुका था, इसी कारण हम लोग पिछले साल का अफसोस को जारी करते हुए इस बार दोबारा सबकी बात को सुनते हुए इस बार हम लोग दो दिन का एजुकेशन फेयर रखे हैं, जो 24 और 25 अप्रैल को गांधी मैदान के पास होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिका है, जो कि पटना का सबसे बड़ा पिलरलेस हॉस्पिटल, मतलब ये बैंक्वेट हॉल है इनका, उसी में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरे भारत के 2800 राज्य के कोने कोने से कॉलेजेज, जैसे इमैनुअल आरासर कन्याकुमारी से आ रहे हैं, नितिन मीनाक्षी बेंगलोर से आ रहे हैं, ऐसे पूरे भारत के कोने कोने से कॉलेज सब जो है रोपर से आ रहे हैं, स्किल्स यूनिवर्सिटी है हम लोग का, तो ये सब जो कोने कोने से जो यूनिवर्सिटी लोग आ रहे हैं, तो ये पूरे 100 कॉलेज यूनिवर्सिटी इस बार रहेंगे और 10,000 प्लस बच्चे जो यूजी और पीजी कोर्स के लिए उस दिन रहेंगे। तो जो करियर मेला आप लगाने जा रहे हैं, पिछले साल भी आपने लगाया था, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि बिहार का जो हम लोग का जो 13-14 करोड़ जो आबादी वाला राज्य है, जो कि इंडिया में तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं, इसमें जो हम लोग को प्रत्येक साल बच्चे लोग एडमिशन कराते हैं बिहार से बाहर, लाखों की संख्या तादाद में जाते हैं, तो बच्चा लोग को क्या है, यदि बेंगलोर लेना है, कन्याकुमारी लेना है, तमिलनाडु लेना है, जम्मू कश्मीर लेना हो, मणिपुर लेना हो, कहीं जाना हो, कोलकाता जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो क्या होता है कि बच्चे बैग उठाते हैं, यदि बच्चा सक्षम हो तो फ्लाइट घूमते हैं, नहीं तो ट्रेन बस का धक्का खाते हैं, इसके बावजूद भी उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो अच्छे कॉलेज रैंकिंग वाले कॉलेज हैं उसको एक छत के नीचे बुला देना और सभी बच्चे पहुंचेंगे तो देख लेंगे कि यहाँ रूबरू हो जाएंगे। लेकिन रोशन जी, पिछले बार बस की व्यवस्था आपने की थी बाहर के जिलों से आने वाले बच्चों के लिए, लकी कूपन था, बहुत सारे ऑफर थे, इस बार का क्या धमाका? बहुत सारा, जैसे बांका जिला हुआ, कटिहार हुआ, किशनगंज हुआ, बहुत सारे जो है सो मतलब कि बच्चे बस से पिछले साल हम लोग व्यवस्था करा दिए थे, वो उसको ये दिखाना चाहते कि देखो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं, बस इस बार हम लोग का ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, इस बार पूरे बिहार के कोने कोने से ऑलरेडी बच्चे, अभी तक हम लोग का ये रजिस्ट्रेशन हुआ है टोटली मिला करके 47,000 के आसपास हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जी, ये बच्चे लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं टोटल, जो कि फेयर में इंटरेस्टेड हैं अभी तक। तो इस बार जो जितने भी कॉलेज आ रहे हैं, जितने यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और भी जितने भी व्यवसायिक कोर्स हैं, उन तमाम कॉलेज जो आ रहे हैं यहाँ पर, बिहार के लिए क्या आपके तरफ से ऑफर है जो बच्चे इसमें भाग? नहीं नहीं, बच्चे बिहार के ऑफर यही है कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग जो है सो लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से बहुत सारे बच्चे को हम लोग गिफ्ट भी प्रदान करेंगे, यही हम लोग का लकी ड्रॉ कूपन है, ये बच्चे भर करके हम मेरे पास जमा किए हैं और ये अभी तक मेरे पास जो जमा हुआ है वो लगभग 43,000 के आसपास जमा हो गया है। अब उसमें से हम लोग का अनुमान है कि कम से कम 10-20% बच्चा उस दिन, यदि 4500 डिग्री टेम्परेचर रहेगा 24-25 अप्रैल को, तो कम से कम अनुमान है कि 10,000 प्लस बच्चे हम लोग को पहुंचेंगे और हम लोग का इस टाइप का जो है गिफ्ट भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं बच्चा लोग को, जैसे बहुत बच्चे को हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का 100% स्कॉलरशिप देंगे, बहुत बच्चा को लैपटॉप देंगे, आईफोन देंगे, टैब देंगे, देख रहे हो कि बच्चे लोग के लिए अभी से हम लोग मोबाइल वोबाइल खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, अभी ऐसे टैब वूब लेना हम लोग का स्टार्ट किया है। अच्छा रोशन जी, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों के लिए ऑफर है, बहुत सारे गिफ्ट की व्यवस्था है, इतने बच्चे आ रहे हैं, 50,000 के तकरीबन 50,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, देश के तमाम टॉप कॉलेजेज आ रहे हैं, दो दिवसीय मेला है, तो ये भी बता दीजिए कि इस मेला में जो
जाना चाहेगा उसको कितना एंट्री फी देना पड़ेगा? नहीं 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 ऐसा बात नहीं, कोई भी हो जो भी एंट्री करना चाहता है, हम लोग का जो है सो एक टोल फ्री नंबर है 8789703871, उन नंबर पे जाए और उस पे जो है सो अपना व्हाट्सएप पे हाई लिखे, उनको एक लिंक जाएगा, वो पूरा लिंक बच्चे भर दे, इसके बाद हम लोग का एक लकी ड्रॉ कूपन उसको और एक जो है सो हम लोग का ये पास बना हुआ है, वो बच्चा जो है सो हम लोग का ऑफिस है जो बाजार समिति बोरिंग रोड कंकड़बाग जो भी ऑफिस उसको नजदीक पड़े, वो नहीं यदि आना चाहते हैं तो हम लोग उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज दे रहे हैं और वही उस दिन दिखाएंगे तो एंट्री होगा, यदि वो लिंक फॉर्म गूगल फॉर्म हम लोग को नहीं भरेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, पिछले साल आपने एजुकेशन फेयर लगाया, काफी चर्चा में है, इस बार खबर है कि सरकार की कई सारी एजेंसियां भी आपके मेले में शामिल हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार के जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे, कल ही जो है सो एक भारत सरकार के आए हुए थे हम लोग का ये कॉलेजेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो भारत सरकार का अपना संस्थान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जो है सो हम लोग का पार्टिसिपेट इस फेयर में होने जा रहे हैं और एक अभी जो है हम लोग का पंजाब का है मलॉट गवर्नमेंट कॉलेजेज जो कि अभी आज कंफर्म किए हैं कि इस फेयर में आ रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है सर की। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग हम लोग का सुबह में 10 बजे से स्टार्ट होगा और शाम में 5 बजे तक चलेगा सर। तो अगर आपके भी बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल और किसी भी व्यवसायिक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th कर चुके हैं और आपको लगता है कि देश के प्रतिष्ठित और नामी गिरामी संस्थानों तक जाने के आपके पास कोई लिंक नहीं है, तो आप पटना के होटल एग्जोटिका जो एग्जीबिशन रोड पटना गांधी मैदान के पास अवस्थित है वहाँ 24 और 25 अप्रैल को आ सकते हैं, जहाँ A to Z देखो के बैनर तले सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये एजुकेशन फेयर होगा 24 और 25 तारीख को। साथ ही साथ देश के कई बड़े चेहरे जो कैरियर काउंसिलर हैं, जो कई सारे बच्चों को टिप्स देते हैं, वो तमाम चेहरे भी होंगे और वहां पर बच्चों के लिए होगा ढेर सारा गिफ्ट। देखते रहिए हमारे इसी चैनल को और भी कई सारी जानकारियां लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि बेहतर भविष्य के लिए कहां मिल रहा है आपको बेहतर विकल्प। धन्यवाद।